हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो अभी एएलपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम बिना समय गवाए हुए अपने प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, यदि कोई धारा वामवर्ती दिशा में प्रवाहित हो तो नज़दीकी ध्रुव की ध्रुवता क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर दो है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कि हम किससे निर्धारित करते हैं? तो इसका सही जवाब है दाएं हाथ के नियम से। किसी स्थायी चुंबक में चुंबक तो रहता है जब चुंबकीय बल हटा लिया जाता है। एक फेज एसी मोटर में कंडेंसर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब है फेज को विभक्त करने के लिए। एक फेज एसी मोटर में कंडेंसर फेज को विभक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। पांचवा क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, 8 माइक्रोफेराड, 16 माइक्रोफेराड और 32 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के तीन कैपेसिटर है जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। तो कुल कैपेसिटेंस हो जाएगा, तो इसको हम बनाएंगे 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 करेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा 32/7। इसका होता है फार्मूला होता है 1/C प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3, इस पर कीजिए आपका आंसर चले आएगा। क्वेश्चन नंबर छः में आइए, कैपेसिटर प्लेट की तीली फिटिंग के कारण इसका श्रेणी समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका समतुल्य प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा। तापमान के बढ़ने से पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य क्या होती है? तो इसका घट जाती है। तापमान के बढ़ने से पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य जो होती है जो घट जाती है। अगला क्वेश्चन आइए, पेपर कंडेंसर एक प्रकार का कैसा कंडेंसर है? तो पेपर कंडेंसर जो है एक प्रकार का फिक्स्ड कंडेंसर होता है। क्वेश्चन नंबर नौ में आइए, क्वेश्चन नंबर नौ है कि लेड एसिड सेल की औसत विद्युत वाहक बल कितना होता है? लेड एसिड सेल का औसत विद्युत वाहक बल तो इसका 2.2 वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी एडिशन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है? तो एडिशन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट हो जाती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर दो सही जवाब है इसका। किसी बैटरी की क्षमता, ये VVI क्वेश्चन है, किसी बैटरी की क्षमता किस पे निर्भर करती है? तो बैटरी की क्षमता जो है डिस्चार्ज की दर पे निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब है। 12 नंबर, एक लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेड एसिड में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है कैसा होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी सेल है? तो निम्न में से कौन सा सेकेंडरी सेल है? आपका चार ऑप्शन है, शुष्क सेल, डेनियल सेल, लेड एसिड सेल, क्षारीय सेल। तो इसका सही जवाब हुआ क्षारीय सेल जो है उससे सेकेंडरी सेल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा प्राइमरी सेल है? तो इसका प्राइमरी सेल सही जवाब होगा डेनियल सेल। डेनियल सेल जो है मेरा प्राइमरी सेल है और क्षारीय सेल जो है सेकेंडरी सेल है। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए हम लोग, विद्युत बैटरी एक युक्ति है जो, आपको बताना है इन चारों में ऑप्शन में से विद्युत बैटरी का गुण क्या है? तो विद्युत बैटरी जो है जो रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक है सही जवाब। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16, 150 वाट 100 वोल्ट और 60 वाट 100 वोल्ट के दो लैंपों को 200 वोल्ट सप्लाई के श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो इनमें से किस लैंप पर आप संट जोड़ेंगे जिससे दोनों लैंप अपनी निर्धारित शक्ति ले? तो इसका सही जवाब होगा 16 का 1 नंबर, 60 वाट के लैंप पर। क्वेश्चन नंबर 17, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम मान के तीन प्रतिरोध 100 वोल्ट सप्लाई के समानांतर में जुड़े हैं, तो प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध अगर जो रेजिस्टेंस अगर जो पैरेलल में हो तो इसका जो वोल्टेज होता है वो समान होता है। तो यहाँ पे पैरेलल में बता रहा है कि समानांतर में है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कि समान होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 100 वाट और 250 वोल्ट और 60 वाट और 250 वोल्ट के दो लैंप उपलब्ध है, तो इन चारों ऑप्शन में बताना है कि सही जवाब कौन है। तो इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा कि 100 वाट के लैंप का प्रतिरोध जो है 60 वाट के लैंप के प्रतिरोध से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसी उस प्रतिरोध को निम्नलिखित प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही जवाब है निम्न प्रतिरोध से कम होता है।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, 2200 वाट के 5 लैंपों द्वारा 30 पैसा प्रति किलोवाट आवर की दर से 5 घंटे में खपत की गई ऊर्जा क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए हम जो जितना हमारा उपकरण है, इसमें 5 लैंप है तो 5 उपकरण हुआ, 5 घंटे तक जला तो जो जितना मेरा उपकरण है उतना जितना समय लगा और जितना पैसा हमको लग रहा है, तीनों को गुना कर देना है तो मेरा आ जाएगा कि कितना इसमें खर्चा हुआ। तो इसका सही जवाब होगा 1.5 रुपया। 21 नंबर में आइए, 10 एम्पियर विद्युत धारा के साथ 20 ओम प्रतिरोध द्वारा ली गई शक्ति क्या होगा। तो पी बराबर होता है वी बटे आई, पी प्रति क्या कर रहा है, शक्ति कह रहा है, तो पी बराबर होता है 20 ओम दिया हुआ है तो आर बटे आई, जिसमें होता है आर हुआ है आपका 20 ओम, आई दिया हुआ है 10 एम्पियर, तो हो जाएगा 2 किलो वाट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 22 नंबर, 10 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ पर 100 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा शक्ति होगा, तो शक्ति का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बटे आर होता है, वी स्क्वायर बटे आर होता है। तो इस प्रकार करें तो इसका ऑप्शन सी नंबर आ जाएगा, 22 का सी। इसका फार्मूला एक बार फिर से सुने, प्रतिरोध शक्ति का फार्मूला होता है वी स्क्वायर बटे आर, तो 100 वोल्ट दिया हुआ है तो 100 × 100 अब बटे 10 कर देना है तो इसे 1000 वाट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, 1 किलो कैलोरी बराबर कितनी जूल होती है। तो इसका सही जवाब है 4180 जूल होता है। 24 नंबर क्वेश्चन में आइए, एमकेएस पद्धति में एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है। तो इसका सही जवाब है 2 नंबर, 735.5 वाट होता है। दोस्तों आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर जो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। हम दूसरे पार्ट में ज़रूर आएंगे, फिर से मिलेंगे आप लोग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।